हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आशुल आनंद टेरेस गार्डन 2024। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आशुल आनंद, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि मैंने लास्ट सितंबर 2023 में टेरेस गार्डनिंग शुरू की थी, ताकि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी फल और सब्जियां उगाऊं छत पर और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उनसे मैं प्राप्त करूं। तो आइए दोस्तों, ये मेरी शुरुआत है, तो जो मैंने 2023 में सीजनल वेजिटेबल से शुरू की थी, जिसमें मैंने सर्दियों की फसलें लगाई थी, चेरी, टमाटो, पालक, सरसों का साग और अन्य बैंगन वगैरह, टमाटर थे, तो वो मेरी अच्छी उसमें प्रोड्यूस आई। तो इसके बाद मैंने अब जैसे फरवरी का सीजन ख़त्म हुआ, लगभग 15 फरवरी के बाद जब टेम्परेचर थोड़ा अप हुआ, तो मैंने गर्मियों की सब्जियां लगाई हैं। आइए आपको मैं दिखाता हूँ अपने टेरेस गार्डन में मैंने क्या क्या लगाया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने डिफरेंट साइज़ के ऑनलाइन बैग्स मंगवाए थे, ग्रो बैग्स, और कोई 12x12 का है, कोई 18x12 का, कोई 6x2 का है, तो ऐसे मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। और उसमें मैंने इनपुट्स जो यूज़ किया था, गाय की गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और जो होता है हमारी मिट्टी, इसका मैंने मिक्सचर तैयार करके इन ग्रो बैग्स को भरा था। तो आइए अब देखते हैं कि मैंने इसमें मैंने क्या क्या लगा रखा है। आए देखिए, तो ये है हमारी ककड़ी, ये मैंने 15 फरवरी के आसपास मैंने लगाई थी। तो और इधर मैंने ये ककड़ी, और इधर बैग्स में मैंने लगाया हुआ है खीरा, ये भी मैंने फरवरी के आसपास लगाया था, लास्ट फरवरी में, और कद्दू वगैरह, और ये मेरा है तरबूज, और उधर आप देखेंगे ये खरबूजा भी है, मधु वैरायटी, और ये मैंने इसमें नवंबर दिसंबर में मैंने चेरी टमाटो लगाए थे दोस्तों, जो जब टेम्परेचर जनवरी में ज़्यादा बढ़ गया तो इसकी फ्रूटिंग कम हो गई थी, और फरवरी के बाद फिर इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है। येलो कलर का चेरी टमाटो है और ये रेड कलर का चेरी टमाटो है। इसमें मैं ट्रेनिंग प्रूनिंग करता रहता हूँ, उनके जो वाटर शूट्स हैं उनको मैं काटता रहता हूँ। अब देखिए, ताकि इसके थोड़े फ्रूट्स को मैंने कट कर दिया था कि जो इनकी जो फर्टिलाइज़र की जो खुराक है इनको मिले और इनका साइज अच्छा हो जाए। तो इसी के साथ दोस्तों मैंने ये लगाए हैं लॉन्ग यार्ड बीन्स हैं, ये भी मैंने फरवरी में लगाए हुए हैं। ये मेरा राउंड ब्रिंजल है, अब ये मैंने सर्दी में लगाया था, लेकिन फरवरी में फिर फ्लावरिंग आके ये फ्रूट आना शुरू हो गया। इसमें बैंगन का है, ये देखिए, और ये दोस्तों मेरे इधर मैंने ये तोरी वगैरह लगाई हुई है, सब में अभी फ्रूटिंग आनी बाकी है। इनकी ग्रोथ देख के लगता है कि भाई बहुत ही हेल्दी प्लांट्स हैं। और ये सर्दियों में मैंने दोस्तों ये मैंने स्ट्रॉबेरीज लगाई थी इन बैग्स में, कुल 20 पौधे मैंने लगाए थे स्ट्रॉबेरी के। अभी भी आप देखिए कि इनमें फ्लावरिंग आ रही है और ये फ्रूट भी आ रहा है। मैंने काफ़ी स्ट्रॉबेरी सीजन में मैंने ली है इनसे, अभी फ्लावर अभी भी आ रहा है, हालांकि आगे टेम्परेचर जो बढ़ जाएगा तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, मैंने शिमला मिर्च लगाई हुई है, तो अब इसमें फ्रूट अच्छा बन चुका है शिमला मिर्च का, और ये फ्रूटिंग आ रही है इसमें। तो मैं ये घिया के पौधे लगाए हैं फरवरी लास्ट में, और अभी इसमें मैंने पिंचिंग वगैरह कर दी है और 3D कटिंग भी की है इसमें 5 लीव्स के बाद, और आप ये देखिए इसमें पोलिनेशन होके घिया बनना स्टार्ट हो चुका है और आगे ये बढ़ता ही जाएगा। और दोस्तों, ये मैंने करेले की पौध लगाई थी, तो करेला भी अच्छा ग्रो करके अब इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो चुकी है, तो आगे आगे ये बढ़ ही जाएगा। दोस्तों ये देखिए, मैंने हरी मिर्च है, और ये खरबूजा है जो मैंने लगाया गुलाब के साथ, और ये मैंने सर्दियों में बैंगन लगाया था, तो ठंड पड़ के ये रुक गया था, ठंड जब आई तो अब फरवरी के बाद फिर इसमें फ्लावरिंग आनी शुरू होगी। अभी मैंने कल ही इसमें से 6-7 बैंगन की हार्वेस्टिंग की है, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये मैंने दोस्तों लगाया स्ट्रॉबेरी गुआवा, ये एग्जॉटिक वैरायटी है, तो इसमें ये मैंने नवंबर दिसंबर में लगाया था, तो अब इसमें 4-5 महीने में इसमें फ्लावर आने शुरू हो गए हैं और बहुत कम समय में इसमें फ्रूट भी आ जाएगा। इसका फ्रूट लाल रंग की स्किन होती है इसकी। तो ये फ्रेंड्स, मैंने इधर कुछ राजमा की पौध लगाई है, राजमा वगैरह और बैंगन,
कि इनके मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं। और इधर आप देखेंगे मैंने जो ड्रैगन फ्रूट है ये भी अभी सिर्फ 6 महीने का हुआ है, ये मैंने लगाया था दिसंबर में। और ये था मेरा सब्जी का पोर्शन मेरे दोस्तों। ये ऊपर मैंने पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए मैंने ये कुछ घोंसले ऑनलाइन परचेज करके रखे हुए हैं ताकि वो भी आराम से आके इसमें अपना रेस्ट कर सके। तो दोस्तों ये मेरा था वेजिटेबल सेक्शन। तो आओ मैं इधर आपको अपने फ्रूट्स के सेक्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ये शुरू में ये स्वीट कॉर्न है दोस्तों, और ये मैंने मैदानी इलाके का सेब लगाया है अन्ना वैरायटी का। ये तो फ्रेंड्स इधर देखिए, ये मैंने 12 मासी नींबू लगाया हुआ है और इसके साथ ये बेल वाली सब्जी लगाई हुई है। और इधर ही मैंने गणेश वैरायटी का अनार लगाया हुआ है। और ये सभी जो फ्रूट्स हैं मैंने नवंबर दिसंबर के आसपास मैंने ये लगाए थे। और ये है मेरा, ये मैंने लगाया हुआ पपीता, इसके बीच में मैं ले रहा हूँ मूंग, और ये है मेरा ऑरेंज। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये है इधर चीकू, ये इसकी देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग है इसमें। और यही बीच में मैंने ये लगाया हुआ है हाइब्रिड टमाटर इन ग्रो बैग्स में। ये बादाम है और ये 12 मासी मैंगो आम, इसमें ये 5 महीने पहले लगाया था और इसमें अभी बूर आया हुआ है। और इधर ये अमरूद है, अमरूद में भी अच्छी फ्रूटिंग आ रही है। इन सारों की मैं कैनपी नीचे रखूँगा, डाउन रखूँगा, इनको बोनसाई टाइप में रखूँगा। अब इसमें फ्रूटिंग ये देखी आ रही है अमरूद की, और साथ में इसके भी हाइब्रिड टमाटो है। और ये लीची भी इन्हीं के साथ लगाई थी मैंने नवंबर दिसंबर में, और इसमें भी दाना बनना शुरू हो गया लीची फ्रूट का। ये मेरा चेरी प्लांट है। और इधर देखिए बनाना, ये अभी छोटा है, ये आलू बुखारा है। और इधर आड़ू, और इधर आप ये देखेंगे मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था, ये अंगूर का पेड़ है, इसके साथ राजमा का है। और इधर कुछ मेरे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे ये इलायची का, पुदीना का। और ये मेरी अभी कलेक्शन है जो मैंने अभी इसको दोस्तों ने स्टार्ट किया है। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, ये मेरा स्टार्टअप है और मैं ये चाहता हूँ कि आगे टाइम आएगा तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ, अच्छी तरह बढ़ाऊँ, और एक खुद शुद्ध शाकाहारी अच्छा खाना मेरे और मेरे परिवार को खाने को मिले। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आप भी अपनी छत पर ऐसे कार्य शुरू करें और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड से दूर रहें। और इसी के साथ दोस्तों थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।